आज हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति का अनुभव करने की कोशिश करें, पवित्र आत्मा के साथ एक गहरा रिश्ता जोड़ने का प्रयास करें। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों एवं बहनों, प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, वह पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम पर भेजता है तुम्हें सब कुछ समझा देगा। मैंने तुम्हें जो कुछ बताया वह उसका स्मरण दिलाएगा। वह सत्य का आत्मा है जो तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा। हाँ, पवित्र आत्मा की सहायता के बिना हम ईश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं कर पाएंगे। इतना ही नहीं, पवित्र आत्मा की सहायता के बिना हम ईश्वर की इच्छा जान भी नहीं पाएंगे। वचन कहता है कि हमारे सृष्टिकर्ता ईश्वर के हृदय में हमारे प्रति आशामय भविष्य के लिए योजनाएं हैं। लेकिन यदि ईश्वर हमें प्रज्ञा का वरदान न दे, अगर वह हमें अपने पवित्र आत्मा से नहीं भर देते, तो हमारे प्रति ईश्वर की इच्छा, हमारी भलाई के लिए उसकी योजनाएं हम जान नहीं पाएंगे। पवित्र आत्मा हमें ईश्वर की इच्छा का ज्ञान कराता है। संत पौलुस कहते हैं कि पवित्र आत्मा सब कुछ की, ईश्वर के रहस्य की भी ताह लेता है। प्रभु यीशु ने कहा है कि पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, वह हर बात में हमारी सहायता करने को तत्पर है। एक तरफ से प्रभु यीशु हमें पवित्र आत्मा दूसरा सहायक तभी प्रदान करेंगे जब हम उससे प्रेम करेंगे और उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे। दूसरी तरफ से पवित्र आत्मा हमें प्रभु की आज्ञाओं का पालन करने में हमारी मदद करेंगे। इस तरह पवित्र आत्मा हमें इस बात का एहसास कराएंगे कि यीशु का जुआ सहज है और उसका बोझ हल्का है। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, अक्सर हम हमारे प्रति ईश्वर की इच्छा न समझकर गलत निर्णय लेते हैं, गलत रास्ते अपनाते हैं। इस तरह हम अपने आप को तथा दूसरों को दुखी बनाते हैं। आज हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति का अनुभव करने की कोशिश करें, पवित्र आत्मा के साथ एक गहरा रिश्ता जोड़ने का प्रयास करें। वह हमें ईश्वर द्वारा प्रदत्त सदा सहायक है, वह दुखित हृदयों के दिलासा है। उस सदा सहायक ईश्वर की आवाज तथा प्रेरणा की छत्रछाया में जीवन बिताएं। आइए पावन आत्मा हमारे हृदयों में अपनी प्रेम की अग्नि सुलगा दे, अपनी दिव्य ज्योति की प्रभा से हमारे जीवन को, हमारे परिवारों को, हमारे देश को, सारे जगत को पूर्णता नवीन कर दीजिए। आमेन।